तक औरत इस काम से राजी ना हो मर्द कुछ नहीं कर सकता। पहली गल है उन्होंने गुनाह है उन्होंने वालदैन का, क्योंकि उन्होंने तरबियत नहीं मिली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अलीजा साहर नामी लड़की दी वीडियो बहुत ही एक नदेबा वायरल हो चुकी है। तुसा स्क्रीन ते वेख रहे हो और स्क्रीन ते चल रही है और उस दे उते बहुत सारे तजदिया नगार तजदिया कर रहे हैं, तबसरे यूट्यूबर तबसरे कमा रहे हैं और अपने पैसे भी कमा रहे हैं और उस वीडियो नू कमाई का जरिया बनाया गया। लेकिन मैं वो वीडियो दोनों कमाई का जरिए वास्ते वो दोनों विखावान नहीं। अलामा इकबाल एक शेर है, वजह में तुम हो नसारा तो तमद्दन में हनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माएं यहूद। अलामा इकबाल फरमा दे ने वजह में तुम तुसी नसारा जे यहूद नसारा तमद्दन में हनूद, हिंदू दी जम है तमद्दन च हिंदू और ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माएं यहूद। अलामा इकबाल फरमा दे आज दे मुसले नू मुसलमान नू देख के यहूद नसारा शर्मा दे ने। और उस वीडियो तो बहुत सारे तबसरे दूसरा सुने ने और वीडियो मैं पूरी दोनों नहीं विखा सकता ता कि मैं इतना बगैरती कह लूँ, मैं इतना बगैरती नहीं हाँ कि मैं आपको ऐसी वीडियो की गंदी ज़्यारत करावा। तो वो दूसरा वीडियो तुसा वेखी सोशल मीडिया से, मैं तुम्हें कुछ स्क्रीन शॉट जेडे ज़्यादा नदेबा नहीं वो पीछे दिखा रहा, लेकिन जेडे उनके तजदिया निगार ने वो की तबसरा फरमा रहे ने, वो ये कह रहे हैं कि यार उन वीडियो वायरल नहीं करना चाहिए सी, उन्हें फलान नहीं करना चाहिए सी, वो लड़की ने वीडियो बनाना नहीं चाहिए। असल जो फितने का मोढ़ा वो दसदा ही कौन, पता ही कौन किसी ने। इन्ने काफर की तालीम तहजीब मगन हो चुके हैं और इन्ने अंधे हो चुके हैं भी अखीर है। वैसे बहुत अफसोस है वो कोई कह रहा है उन वीडियो बनाना नहीं चाहिए, हालांकि हक तो यह बनता सी कि ऐसे गलत तलुकात ही नहीं रखने चाहिए सन। हक तो यह बनता सी कि उन्होंने औरत को मोबाइल ही नहीं रखना चाहिए सी। अजकल तो बटना वाला मोबाइल जी औरत को हो, मेरा तजर्बा है कि उनकी इज्जत महफूज नहीं, इला माशाला इला माशाला कोई 100 में 1% हो जो मोबाइल बटना रख तो इज्जत बचा लें, वरना जिन्हें मेरा तजर्बा है जिन्हें मैं दुनिया के हालात देख रहा जिन्हें को बटना वाला मोबाइल है वो इज्जत नहीं महफूज कर रही। फिर तुम टच जैसा चकला है तुम हाथ ही फदा रहे तो वो दूसरा जिले बुराई दे जिस टाइम बुराई दे सारे जराए बंदे मसूल होवन दे वसूल होवन दे कोल होवन दे तो फिर जाहिर बात है फिर इस तरह के काम कोई अजीब नहीं होने, इस तरह के काम होंदे रहने ने। तो उन्हें पौंदा इश्क सी या प्यार सी किसे बंदे नाल, वो उन्हें आशिक उन्होंने आख्या कि मैंने अपना जिसम दिखा, उन्हें आदा जिसम दिखाना शुरू कर दिता है और फिर वो इतना जालम कुत्ता बगैरत सी बंदा भी उन्हें उनकी उस तरह की वीडियो बनाते तो वो ये किसे अगह होगी उसी तो उन्हें मुड़ू की वीडियो चढ़ा दी होनी। ये अं साब किताब होंगे ने सू सारा पता है समझदार जी तो वो बड़ी वायरल हो गई। दूसरा तो खुदा रहा सारे गैरत होनी चाहिए, जेडे मोबाइल देंगे उन्होंने भी गैरत होनी चाहिए है और उस लड़की ने भी गैरत होनी चाहिए। कोई तो कह रहे हैं यूट्यूबर पता नहीं पैसे कमाने की, पर कह रहे हैं भी उन्हें खुदकशी कर ली। मैं कि एड्डी वो गैरतमंद होंगी तो उन्हें इस तरह के तलुकात ही नहीं रखने सन, उन्हें टच मोबाइल ही नहीं रखना सी, ठीक है ना। वो पहले भी बस यूट्यूब पर बहुत मशहूर थी, कदे वो मही चौंधी पी होंगी सी और कदे ट्रैक्टर चला रही होंगी सी, इस तरह के काम कुम कर रही होंगी सी। तो मैं सारा एक पैगाम तुहानू देना चाहना, पैगाम ज़्यादा पुराना नहीं और तुहाड़ी तारीख दे विच ही है, तुहाड़े मुल्क दे विच ही वो पैगाम है। वो है भी मुहम्मद बिन कासम दमिश्क तो चल सया सी, मुहम्मद हजाज बिन यूसुफ ने भेजा सी, हजाज बिन यूसुफ बहुत जालम सी। अगर अज के दौर च हुंदा तो सारे तुसी उन्हूं पता नहीं की उन्दे नाल करो आए, तो वो बहुत जालम सी ते लेकिन बगैरत नहीं सी। उन्हें मुहम्मद बिन कासम नूं गल्लिया सी इत्थे हिंदुस्तान आ बर सगीर आ सारा जिहड़ा पाको हिंदुस्तान पाको हिंद है सारा वो फतह कर दे गया सी, उनकी वजह तो आप कलमा पढ़ने हैं। अगर तुसी उन्दा एहसान नहीं समझते तो फिर तुहाड़ी गलत फहमी एहसान फरमोशी है। तो वो एक इज्जत नूं बचाउण वास्ते कराची की बंदरगाह च राजा दाहर उन्हें आत लोहे के चने च बवाया, राजा दाहर ने मुसलमान की बेटी इज्जत में हाथ पाया सी, तो ये मुसलमान की बेटी ने खत भेजा सी हजाज बिन यूसुफ नूं, हजाज बिन यूसुफ इन्ना बड़ा लश्कर भेजते तो पूरा बर सगीर हिंदुस्तान फतह करवाया और सारा नूं कलमा पढ़ावन की उन्हें सादत नसीब फरमाई हजाज बिन यूसुफ ने। तो खुदा रहा ऐसे गंदे माहौल में ऐसे बेहया माहौल में दूसरा अपनी बेटियों को मोबाइल जैसे फितने से हर बेपर्दगी बेहयाई से बचाएं, कहीं द्वाड़े नाल इस तरह का वाकया पेश ना आवे, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। कहाँ दूसरा एक बेटी की इज्जत बचाने लई बंदा
ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ? ਦਮਿਸ਼ਕ ਤੋਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਲੇਜੇ ਚੀਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੁੱਟੀ ਆਉਂਦੇ? ਯਾਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਵਾਇਰਲ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ। ਖੁਦਾ ਰਾ ਹੋਸ਼ ਕੇ ਨਾ ਖਾਣ ਲਓ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਰਾ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੋਂ, ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਹਿਫੂਜ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਨੇ ਵਾਇਰਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਾਂਗਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਲੁਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੂਹ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿੱਗਣਾ। ਇੱਕ ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਗੈਰਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਟੁਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉਹ ਨਤੀਜਾ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬਗੈਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਲੇ ਦੇ, ਬਗੈਰਤੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਅਤੇ ਮਰੇਗਾ। ਤੋ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਤਾਲਾ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਫਰਮਾਵੇ। ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾ